नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे रेलवे के द्वारा होली को लेकर की जा रही तैयारियों के बारे में। होली में घर आने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने अतिरिक्त सुविधा बहाल की है। यह सुविधा के तहत यात्रियों के भीड़ को नियंत्रित करने की बात कही गई है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो ट्रेन और स्टेशनों में भीड़ को नियंत्रित करने को लेकर यात्रियों की सुविधा देने पर विशेष ध्यान रेलवे की तरफ से दिया जा रहा है। रेलवे इस बात का ध्यान दे रहा है कि यात्रियों को आसानी से टिकट दिया जा सके, उन्हें टिकट लेने में किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। इन सुविधाओं को बहाल करने के लिए 16 मार्च से लेकर 23 मार्च तक मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, धनबाद, दानापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, गया समेत अन्य स्टेशनों पर अतिरिक्त टिकट विंडो खोलने की बात कही गई है। इन सब के बीच में रेलवे ने यह भी कहा है कि यात्रियों की बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता के साथ साथ अन्य स्टेशनों से बिहार आने वाली नियमित ट्रेनों के साथ साथ 24 जोड़ी होली स्पेशल ट्रेनों को चलाए जाने की बात कही गई है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि ठंड और कोरोना के बाद बंद पड़ी ट्रेनों को एक बार फिर से परिचालन में लाना शुरू कर दिया गया है, जिससे कि लोगों को यात्रा के दौरान किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। पूर्व मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि ट्रेन के आवागमन की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सके, इसको लेकर स्टेशनों पर निरंतर उद्घोषणा की जा रही है। साथ ही साथ यह भी कहा कि मोबाइल द्वारा UTS टिकट प्राप्त करने को लेकर भी जानकारी साझा की जा रही है। साथ ही साथ यह भी कहा कि यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए CCTV कैमरे की मदद से रेलवे सुरक्षा बलों की 24 घंटे निगरानी की जा रही है। साथ ही साथ कहा गया है कि डॉग स्क्वाड को भी जाँच करने की बात कही गई है। यह भी कहा गया है कि महिला यात्रियों को ध्यान में रखते हुए महिला वाहिनी टीम सक्रिय कर दी गई है। रेलवे प्रशासन यात्रियों के नशाखुरानी गिरोह को शिकार न हो इस बात का भी ध्यान रखे। रेलवे इस बात का भी ध्यान दे रही है कि रेलवे स्टेशनों पर आरक्षण कार्यालय में CCTV कैमरे लगाए जा सकें, ताकि टिकट के दलालों को सीधे तरीके से पकड़ा जा सके, उन पर नज़र रखी जा सके। आपको बता दें कि रेलवे ने पिछले कई दिनों से रेलवे के कई नियमों में जो है बदलाव किया है, जिसमें कि रेलवे में सफ़र के दौरान आपको किसी तरह की कोई समस्या ना हो। इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव था कि रेलवे में जो जनरल कोच है उसमें यात्रा के दौरान रिजर्वेशन का टिकट लेना पड़ता था, लेकिन अब जो है उसे समाप्त कर दिया गया है। अब जनरल कोच में आप आसानी से जनरल टिकट के साथ सफ़र कर सकते हैं। साथ ही साथ रेलवे ने यह भी कहा है कि अब यात्रा के दौरान कोरोना से जुड़े सभी पुराने नियमों को बहाल किया गया, जिसमें कि यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। बता दें कि रेलवे ने इसी कड़ी में जो है AC कोच में सफ़र करने के दौरान आपको जो है कंबल और तकिया के साथ साथ आपको अपना टॉवल भी ले जाना पड़ता था, लेकिन अब जो है इन नियमों में जो है बदलाव करते हुए रेलवे ने साफ तौर पर कहा है कि आप निफिक्र होकर आप स्टेशन पर जाएँ, आप अपने कोच में जाएँ, आप यात्रा करें। इन सब चीज़ों को जो है एक बार फिर से बंद कर दिया गया है और अब जो है आपकी यात्रा आसान होने वाली है, क्योंकि कोरोना काल के दौरान इन सब चीज़ों पे पाबंदियां लगा दी गई थी, जिसमें कि कहा गया था कि कोरोना इन सब चीज़ों से फैल सकता है, एक दूसरे में ज़्यादा तरीके से फैल सकता है। इन सब चीज़ों पर ध्यान रखते हुए रेलवे ने जो है अब एक बड़ा फैसला लिया और होली में अगर आप घर आने का प्लान बना रहे हैं तो रेलवे अतिरिक्त सुविधाएँ मुहैया करा रही है। बिहार और बिहार से जुड़ी और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। जय जाजत, धन्यवाद।